सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Realme 8i एंड Narzo 30 डिवाइस में Realme UI 3.0 बेस्ड ऑन Android 12 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट देखने के लिए मिल गया है। सो गाइज, ये अपडेट ना कुछ ही यूजर्स को देखने के लिए मिला है, लेकिन और भी बहुत सारे यूजर्स हैं जो कि अपने डिवाइस को बीटा अपडेट में अपडेट करने के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन वो किसी कारणवश फॉर्म को मिस कर दिए हैं। सो गाइज, वो वेट कर रहे हैं कि Realme 8i एंड Narzo 30 डिवाइस में सेकेंड बैच बीटा अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस, हम बात करेंगे इस अपडेट के कन्फर्म डेट के बारे में। इसी के साथ में हम बात करेंगे कि Realme 8i एंड Narzo 30 डिवाइस में जो Realme UI 3.0 बेस्ड ऑन Android 12 का फर्स्ट बैच बीटा अपडेट जो देखने के लिए मिला है, तो इस अपडेट में कुछ बग एंड इशू देखने के लिए मिला है, जैसे कि गाइस हीटिंग प्रॉब्लम, लैगिंग प्रॉब्लम एंड बैटरी ड्रेन का इशू देखने के लिए मिला है। सो गाइस, ये बग एंड इशू को आप कैसे फिक्स करेंगे इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप भी हैं Realme 8i एंड Narzo 30 डिवाइस के यूजर्स, तो आप वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, बिकॉज मे बी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, अब वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि Realme 8i एंड Realme Narzo 30 डिवाइस में Realme UI 3.0 बेस्ड ऑन Android 12 का सेकेंड बैच बीटा अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, इस अपडेट का कंफर्म डेट क्या है। सो गाइस, ये तो खैर हम वीडियो में आगे बात कर लेंगे, इससे पहले हम बात करते हैं कि Realme 8i एंड Narzo 30 डिवाइस में जो Realme UI 3.0 के फर्स्ट बैच बीटा अपडेट जो देखने के लिए मिला है, तो उस अपडेट में कुछ बग एंड इशू देखने के लिए मिला है, जैसे कि गाइस आप लोगों को हीटिंग प्रॉब्लम, लैगिंग प्रॉब्लम एंड बैटरी ड्रेन का इशू देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पर यार बैटरी ड्रेनिंग के इशू के बारे में, सो गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि Realme UI 3.0 एंड Android 12 का जो अपडेट देखने के लिए मिला है, सो गाइस इस अपडेट में ना आप लोगों को काफ़ी सारा न्यू फीचर्स देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस, इसी वजह से आप लोगों को ना यहाँ पे थोड़ा यार बैटरी ड्रेनिंग का इशू देखने के लिए मिल रहा होगा। सो गाइस, अगर बात करें हीटिंग प्रॉब्लम एंड लैगिंग प्रॉब्लम के बारे में, सो गाइस ये तो खैर एक इशू है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि ये एक बीटा अपडेट है एंड बीटा अपडेट जो रिलीज कराया जाता है वो टेस्टिंग पर्पस के लिए ही रिलीज कराया जाता है। लेकिन गाइस, ये जो बग एंड इशू देखने के लिए मिला है, सो गाइस इससे आप निश्चिंत रहो यार, कुछ दिन बाद आप लोगों को ना एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है, जिस अपडेट के थ्रू आपके डिवाइस के सिक्योरिटी पैच को लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच में अपडेट कर दिया जाएगा। इसी के साथ में आपके डिवाइस में जो भी बग एंड इशू होंगे उन्हें यहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं फाइनली कि Realme 8i एंड Realme Narzo 30 डिवाइस में Realme UI 3.0 बेस्ड ऑन Android 12 का सेकेंड बैच बीटा अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस, यहाँ पे ना जो अभी अपडेट देखने के लिए मिला है फर्स्ट बैच बीटा अपडेट का, सो गाइस इस अपडेट में कोई ज़्यादा यार बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिला है। सो गाइस, यहाँ पे सेकेंड बैच बीटा अपडेट ना बहुत ही जल्द आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, हो सकता है कि 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ना आप लोग को ये अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। सो गाइस, आप लोगों ने यहाँ पे यार 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में आप लोग को अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। सो गाइस, इसी वजह से आप अलर्ट रहना सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके, एंड गाइस उसके बाद आप लोग को कॉर्नर में सेटिंग का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करना। उसके बाद ट्रायल वर्जन पे क्लिक करने के बाद ना आप लोग को ना यार फॉर्म को चेक करते रहना, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि बीटा अपडेट के लिए जो फॉर्म देखने के लिए मिलता है ना वो कुछ ही यूजर्स को देखने के लिए मिलता है, इट मीन्स यार लिमिटेड यूजर्स को ही देखने के लिए मिलता है, एंड अब अपडेट के लिए फॉर्म अप्रॉक्स 1 आवर के लिए ही देखने के लिए मिलता है। सो गाइस, इसी वजह से यार अलर्ट रह के ना अपडेट के लिए फॉर्म को चेक करते रहना। वैसे गाइस, आप अलर्ट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि गाइस जैसे ही अपडेट के लिए फॉर्म अवेलेबल होगा, सो गाइस सबसे पहले आप लोगों को हम टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर देंगे, उसके बाद वीडियो बना के इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि वीडियो बनाने में थोड़ा सा यार टाइम लगता है। सो गाइस, इसी वजह से ना आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। सो गाइस, फिलहाल में अभी के लिए इतना ही, आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ, इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी ओपिनियन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, एंड ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।